अभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी खुनवा और ककरहवा के जवानों ने अलग अलग स्थानों से 26 बोरी प्याज, 7 बोरी धान और 8 साइकिल के साथ 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए आरके डोगरा कमांडिंग अधिकारी 43वीं वाहिनी ने बताया कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि सीमा स्तंभ संख्या 553/2 के समीप से प्याज की तस्करी होने वाली है। कार्यवाही को अंजाम देते हुए सीमा चौकी खुनवा से सहायक उप निरीक्षक संजीव बोरा के नेतृत्व में आरक्षी विभास रजक और आरक्षी अनिल कुमार चौहान व सीमा चौकी पकड़ियावां से सहायक उप निरीक्षक पंडित कुमार सिंह के नेतृत्व में आरक्षी लखनलाल और आरक्षी प्रेमलाल तथा पुलिस चौकी खुनवा से आरक्षी नरेश कुमार और अंगद सिंह के साथ संयुक्त नाका दल ने सीमा स्तंभ संख्या 553/2 के समीप से 26 बोरी प्याज और 2 साइकिल के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। इसी क्रम में सीमा चौकी ककरहवा द्वारा निरीक्षक संपत सिंह के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार और आरक्षी अवधेश कुमार के साथ गश्ती के दौरान सीमा स्तंभ संख्या 543/1 के पास से 7 बोरी धान और 5 साइकिल के साथ 4 व्यक्तियों को पकड़ा। सीमा चौकी खुनवा द्वारा पकड़े गए 26 बोरी प्याज, 3 साइकिल और 2 व्यक्तियों को सीमा शुल्क कार्यालय खुनवा और सीमा चौकी ककरहवा के गश्ती दल द्वारा पकड़े गए 7 बोरी धान व 5 साइकिल और 4 व्यक्तियों सहित सीमा शुल्क कार्यालय ककरहवा को सुपुर्द कर दिया गया है। कमांडिंग अधिकारी आरके डोगरा ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए नाका पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है एवं अवैध रूप से हो रही तस्करी के सामानों को लगातार जब्त किया जा रहा है।